एक बार फिर से टेक्निकल अमित जोशी जी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्त बात करता हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, साइड में बेल आइकन घंटी मिल जाती है, और इस बेल आइकन घंटी पर क्लिक करके और आपको यहाँ पर हल्के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैं हल्के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और वीडियो को नहीं लाइक करते तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम इसी बाइक का मोनोशॉक सस्पेंसर, यानी कि बाइक की मोनोशॉक सस्पेंसर, जो कि यार बाइक लेते समय यार तो मुझे भी लगा था कि क्या भाई ये आवाज़ कर सकती, तो बहुत लोग की यार बाइक में तो आवाज़ की और वो तो यार वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिए हैं। तो आज हम इसी वीडियो पर बात करते हैं, क्या ये बाइक सच में यार मोनोशॉक सस्पेंसर से यार आवाज़ आती है। तो आइए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, तो बैठ के यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो मैं बैठ रहा हूँ कि अब यहाँ पर आप मोनोशॉक सस्पेंसर दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं इसी मोनोशॉक सस्पेंसर की बात करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं उछल के देखता हूँ क्या ये भाई आवाज़ करती है। तो लगे से थोड़ा कैमरा मैन यहाँ पर से लगे, देखिए देखो आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। देखा जाए तो यहाँ पर बैठो यानी कि चाहे जो करो, क्योंकि अभी जो यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि यार मोनोशॉक सस्पेंसर के साथ, या फिर मेरे सामने यार ये हुआ कि मैं जब बाइक को यार यूज किया और चार दिन वैसे यूज किया हुआ, तो वैसे यार बाइक मेरा बिल्कुल यार आवाज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक बाइक आ गई और उसकी आवाज़ थोड़ा पुनः समझ पाया होगा। क्योंकि यार अभी मैं इसको यानी कि 3 दिन या 4 दिन परचेज किया हुआ, तो बात यह कि फ्रेंड ये यार बाइक थोड़ा सा मुझे मोनोशॉक सस्पेंसर से यार आवाज़ करता दिख गया, क्योंकि मुझे बहुत ही दिक्कत की बात लगी। और मैं आपको सच बता दूं तो भाई इसका लेटेस्ट क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको मीटर कंट्रोल पर बता देता हूँ, जो कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कितना किलोमीटर चला हुआ है, जो कि अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर से दिखाइए इनको, अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 163 किमी चल चुका है। और उसके बाद में साथ ही साथ बात करा जाए तो फ्रेंड अब यहाँ लगे से आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप देखिए यहाँ पर ट्रिप है, और उसके बाद में यहाँ पर ट्रिप भी, और यहाँ पर रेंज 112 किमी भी मेरा चल सकता है। तो फ्रेंड 163 किलोमीटर भी मैं चलाया हूँ, ज़्यादा नहीं चलाया हूँ। और यहाँ पर ये 3 गियर पर लगी हुई है, तो यहाँ पर साइड स्टैंड का वो ऑप्शन दे रहा है। तो फ्रेंड ये जो मोनोशॉक सस्पेंसर है, बिल्कुल ही आपका आवाज़ नहीं आएगा। जो लोग यार बाइक को परचेस कर रहे हो यार, तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आएगा। तो आप ये बाइक परचेस करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यार ये 125 cc में बहुत ही बिंदास बाइक है। तो आप बिल्कुल यार इस बाइक को परचेस कर सकते हो, कोई यार दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैं भी यार आखिर मुन को लिया हूँ, और आप भी आखिर मुन को ले सकते हो।